ललितपुर के लगभग 1,25,000 से अधिक बकाया विद्युत उपभोक्ताओं के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक मुश्त समाधान योजना जल्दी आओ जल्दी पाओ जो ललितपुर में 3 चरणों में चलाई गई। वहीं 16,000 बकाया विद्युत उपभोक्ताओं और 250 चोरी के केसेस वाले विद्युत उपभोक्ताओं ने लिया एक मुश्त समाधान योजना का लाभ। विद्युत विभाग अधिशासी अभियंता गोविंद जायसवाल ने विद्युत बकायेदारों को लाभ लेने की बात की और कहा कि तीसरा चरण 31 दिसंबर तक है, उसके समाप्त होने के बाद बकाया विद्युत बकायेदार पर होगी कार्रवाई। इससे संबंधित जो प्रक्रिया चल रही है जिसमें लाभार्थियों के लिए क्या स्कीम है? देखिए, ये विद्युत विभाग के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, एक मुश्त समाधान योजना, और इसके तहत जो हमारे सम्मानित उपभोक्ता हैं, विद्युत उपभोक्ता हैं, उनको उनके ऊपर जो पेनाल्टी लगी है, जो सरचार्ज लगा हुआ है, उसमें छूट दी जा रही है। और यह जो योजना है वह हमारे 3 चरणों में चल रही है और इसमें अभी 2 चरण अभी तक समाप्त हो चुके हैं। तीसरा चरण 16 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है और यह 31 दिसंबर तक चलेगा। और इस योजना के तहत जितने भी हमारे लाभार्थी हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि जल्दी आओ ज़्यादा पाओ, जितना जल्दी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आपके पास कई ऑप्शंस भी हैं, आप चाहें तो एक बार में ही पूरा पैसा जमा करके इसका लाभ ले सकते हैं, उसमें आपको उसमें भी मैक्सिमम लाभ मिलेगा। इसके अलावा मान लीजिए किसी वक्त अगर आपको पैसे की थोड़ी कमी है, समस्या है, तो आप इस चीज़ को ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं कि किस्त में भी करा सकते हैं, उसमें जो लाभ है वो थोड़ा कम हो जाएगा, एक मुश्त समाधान में आपको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। कितने इसमें अभी तक कितने लोगों ने लाभ ले लिया है, और ग्रामीण इलाकों से और शहरी भाग से? देखिए, अभी तक राजस्व जो है उगाई अभी तक जो है कि कुल 7,315 लोगों ने, जो कि शहरी क्षेत्र से संबंधित है, इन्होंने लाभ लिया है, और ग्रामीण क्षेत्रों से 8,372 लोगों ने इसमें अभी तक लाभ ले लिया है, और हमारे डिपार्टमेंट को अभी तक कुल 9 करोड़ से ज्यादा की वसूली हो चुकी है इस योजना के तहत। तीसरा चरण स्टार्ट है, क्या इसके बाद भी इसको ओटीएस का लाभ ले पाएंगे? नहीं, अभी तक जो हमारे पास जानकारी है और हमारे डिपार्टमेंट से जो उच्च अधिकारियों का अभी तक आदेश है, ये 31 दिसंबर बिल्कुल लास्ट डेट है, इसके बाद इसका कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। अभी तक जो भी हमारे उपभोक्ता है, मैं अपने सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से पुनः अपील करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, अपने आप को रजिस्टर कराइए और इसका बेनिफिट लीजिए। 31 दिसंबर के बाद से